मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 का लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे भूस्खलन, अपरदन एवं अपक्षय के विषय में हम चर्चा करेंगे। भूस्खलन क्या होता है? भूस्खलन जब विभिन्न प्रकार से जो धरातल का या चट्टानों का अपने स्थान से ढह जाना, हम बात करेंगे इस प्रकार से चट्टान है, इसका ये हिस्सा क्या हो जाता है, यहाँ से ढह जाता है, ठीक है। ढह जाना क्या कहलाएगा? भूस्खलन कहलाएगा। हम कह सकते हैं कि सेल के किसी ढेर का गुरुत्व प्रभाव से नीचे आना, ये प्रभाव गुरुत्व प्रभाव से क्या हो जाता है, ये नीचे की ओर आ जाता है, यानी चट्टान का टूटना ढह जाना। जैसे कि क्या हो रहा है कि विभिन्न प्रकार से ये धरातल है, यहाँ पे माइंस हम खदाने खोद रहे हैं, तो क्या हुआ, अंदर की तरफ से इस प्रकार से खदाने खोद रहे हैं, तो एक समय क्या होता है, खदाने खोदने के पश्चात ये जो ऊपर का हिस्सा है ये क्या हो जाता है ना, ढह जाता है, ठीक है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसे हम क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। अगर परिभाषा के तौर पर देखें कि शेल के किसी ढेर का गुरुत्व प्रभाव से नीचे की ओर खिसकना क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। विभिन्न प्रकार से प्रक्रियाएं होती रहती हैं हिमालयी क्षेत्रों में। इस प्रकार अगर ये क्रिया होती है तो क्या होता है, हिम का जो ढेर है या हम कहेंगे कि ग्लेशियर, वो क्या करते हैं अपने स्थान से ढह जाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, हिमस्खलन कहेंगे। वैसे तो भूस्खलन के लिए अगर हम चर्चा करें, भूस्खलन मुख्यतया शुष्क क्षेत्रों में अधिक होने की संभावना रहती है, भूस्खलन की प्रक्रिया, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, तेज वर्षा काल के अंदर जब चट्टानों का बारंबार कटाव होता रहता है तो वहां से भी चट्टानें क्या हो जाती है, खिसक जाती है। अलग अलग प्रकार से हम चर्चा करते हैं। और बर्फीले क्षेत्रों में, हिम क्षेत्रों में जब क्या होता है, ग्लेशियर का अपने स्थान से ढह जाना होता है, उसे हम क्या कहते हैं ना, हिमस्खलन कहते हैं। तो ऐसे हम भूस्खलन के विभिन्न रूपों की अगर हम चर्चा करें तो अवसर्पण की हम बात करते हैं। अवसर्पण क्या होता है? अवसर्पण की पश्च आवर्तन के साथ जो प्रक्रियाएं हो रही है चट्टानों में, सेल मलबे का एक या कई इकाइयों में फिसलन, ऐसा नहीं कि एक साथ ही क्या हो जाए, मलबा ढह जाए, अलग अलग इकाइयों में पश्च आवर्तन यहाँ पे जो भी बदलाव हो रहे हैं उस कारण से, ठीक है, चट्टानों के, ये चट्टान का भाग है, इसके जो पश्च भाग में जिस प्रकार से यहाँ पे जो बदलाव हो रहे हैं उस कारण से सेल मलबे का या तो एक इकाई में पूरी तरह से ढह जाना, या हम कहेंगे छोटी छोटी इकाइयों में, कई इकाइयों में क्या हो जाना कि ये जो मलबे का जो फिसलन हो जाता है, सेल मलबे का फिसलन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अवसर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं ना, अवसर्पण कहते हैं। हम मलबा स्खलन की बात करें, मलबे का स्खलन होना, तो पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना, यहाँ पे पश्च आवर्तन की हम चर्चा करते हैं कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे पश्च आवर्तन नहीं हो रहा है, और इसके बिना क्या हो रहा है, मलबे का तीव्र लोटन, मलबा क्या हो जाता है, यहाँ से ढह जाता है, या तीव्र लोटन मलबे का हो जाता है, मलबे का स्खलन हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मलबा स्खलन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपरदन और मलबा स्खलन में क्या अंतर है कि यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार से जो चक्कर या अलग अलग प्रकार से जो परिवर्तन हो रहे हैं, इस कारण से जब पश्च आवर्तन से अगर कई इकाइयों में या एक इकाई में मलबे का ढह जाना होता है या फिसलन हो जाता है तो उसे तो कहते हैं अवसर्पण, और पश्च आवर्तन के बिना जब क्या होता है, मलबे का ढह जाना हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, मलबा स्खलन कहा जाता है। एक और हम शब्द की चर्चा करते हैं, सेल पतन किसे कहते हैं। सेल पतन तीव्र ढाल के सहारे शेल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना, कि तीव्र ढाल है, यहाँ से सेल मलबा क्या करता है, इस ढाल से दूरी रखते हुए इस प्रकार से गिरने लगता है, तो इसे क्या कहा, स्वतंत्र रूप से मलबे का गिरना, इसे क्या कहा जाता है, शेल पतन, यानी सेल का टूटना, ठीक है। तीव्र ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल से दूरी बनाते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, सेल पतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेल पतन कहा जाता है। हम चर्चा करते हैं किस प्रकार से भारत में ये जो मलबा अवधाव है, जो हिमस्खलन हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है। अधिकतर हिमालयी क्षेत्रों में इस प्रकार से ये भूस्खलन की प्रक्रियाएं हो रही, चट्टानें अपने स्थान से ढह जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार से मानव को नुकसान होता है और विभिन्न प्रकार से प्रकृति को भी इससे कुछ नुकसान होता है। तो हमारे देश में मलबा अवधाव, ये जो इसमें पैराग्राफ हम इसका अध्ययन करेंगे, हमारे देश में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन हिमालय में प्राय घटित होते हैं। मुख्यतया जो बताया हमें कि भूस्खलन या मलबा उदाव कहाँ होते हैं, हिमालयी क्षेत्रों में घटित होते हैं। इसके बहुत से कारण हैं कि हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से आज भी सक्रिय, आज भी क्या हो रहा है ना, वहाँ पर जो भारतीय जो प्लेट है वो यूरोपियन प्लेट से टकरा रही है, और इसका जो हिमालय पर्वत की ऊंचाई वो बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे अभी भी विवर्तनिक प्रक्रियाएं हो रही है, और विवर्तनिक प्रक्रियाओं से यहाँ पे हलचल होती है, और हलचल से क्या होता है, यहाँ पे भूस्खलन जैसी प्रक्रियाएं हो रही है। अधिकांश परतदार सेलों असंगठित एवं अर्ध संगठित पदार्थों से बना है,
हिमालय विभिन्न प्रकार की परतें इसमें पाई जाती है, ठीक है। इसकी ढाल मध्यम न होकर तीव्र, और जो हिमालय की ढाल है वो भी तीव्र, जो भी भूस्खलन के लिए जिम्मेदार है। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिक दृष्टि से अधिक स्थायी तथा बहुत कठोर निर्मित है। तो कठोर क्षेत्र में क्या होगा, ये जो भूस्खलन की प्रक्रिया है वो कम होगी, और ये परतदार चट्टानी हिमालय से यहाँ पे क्या होगा, भूस्खलन अधिक होता है। अब इन पहाड़ियों में मलबा उठाव भूस्खलन होते रहते हैं, यद्यपि उनके बारंबारता उतनी नहीं जितनी हिमालय में, यानी कि क्या हो रहा है कठोर क्षेत्रों में जो नीलगिरी पहाड़ियां वहां पर भी भूस्खलन जैसी प्रक्रियाएं होती है, लेकिन हिमालय की तुलना में वहां पर कम होती है। पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में ढाल खड़े और भगु कगार के साथ तीव्रतर तापक्रम में परिवर्तन ताप परिसर के कारण यांत्रिक अपक्ष सुस्पष्ट होता है। वहां लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है, जो पश्चिमी घाट की बात करें कम समय में ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए वहां पर कुछ भूस्खलन संबंधी प्रक्रियाएं होती है। इन स्थानों में भूस्खलन मलबा उठाव के साथ प्राय शेल पतन भी होता है, और अधिक वर्षा होने से यहां पे कम समय में तापमान यहां पे बड़ा अधिक होने से यहां पे मलबा उठाव जैसी या शेल पतन जैसी प्रक्रियाएं होती रहती है। लेकिन मुख्यतः हम बात करें कि भूस्खलन की प्रक्रियाएं अक्सर हमें कहाँ देखने को मिलती है, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसके लिए हमें मुख्यतः दो कारण तो याद रखने हैं। पहला क्या कि यहाँ पे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में अभी भी विवर्तनिक प्रक्रियाएं कार्यरत है, और दूसरा हमें ध्यान रखना है कि हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें परतदार यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ी दक्षिण भारत की जो नीलगिरी से चट्टाने उनसे अपेक्षाकृत कम मजबूत ये चट्टाने या हम कहेंगे परतदार चट्टाने पाई जाती है जो भूस्खलन के लिए जिम्मेदार है, जिससे क्या हो रहा है सेल का जो ढेर है गुरुत्व प्रभाव से नीचे की ओर आता है, यानी कि भूस्खलन हो रहा है। और हिमालयी क्षेत्रों में हम बात करेंगे कि ग्लेशियर का ढहना यानी कि हिमस्खलन हो जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं प्रक्रियाओं की, अपरदन और निक्षेपण की। अपरदन और निक्षेपण के विषय में हमने विस्तार से पढ़ा है कि अपरदन और निक्षेपण क्या होता है। अपरदन के बारे में हम कि किस प्रकार से जब क्या होता है चट्टानों की अगर हम चर्चा करते हैं, जो अपक्षयकारी जब क्रियाएं चट्टानों के साथ होती है, कौन सी क्रियाएं होती है अपक्षयकारी क्रियाएं जब चट्टानों में होती है, अपक्षय जब हो जाता है यानी कि चट्टान है और चट्टान का क्या हो जाता है कि विभिन्न प्रकार से अपने स्थान पर टूटना होता है, यह अपक्षय होता है। अपक्षय के पश्चात ये कण क्या हो जाते हैं ना, बिखर जाते हैं। कण क्या हो जाते हैं ना, बिखर जाते हैं। अब इन कणों के बिखरने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो अपरदनकारी कारक है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं जल, वायु, हिम, ये अपरदनकारी कारक क्या करेंगे, इस यहाँ पे जो ये बिखरे हुए कण है इनको क्या करेंगे अपने साथ परिवहित करेंगे, क्या करेंगे परिवहित करेंगे, और परिवहित कर इन्हें अन्यत्र स्थान पर ले जाएंगे जहां अपरदनकारी कारकों की गति कम हो जाएगी, वहां पर ये क्या होने लग जाते हैं निक्षेपित होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं निक्षेपित होने लग जाते हैं। इस प्रकार से मलबे का जमाव क्या कहलाएगा निक्षेपण कहलाएगा, और यहां से क्या होता जा रहा है कि अपक्षय के पश्चात ये जो कारक है मलबे का क्या कर रहे हैं कटाव कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं ना, अपरदन की श्रेणी में हम शामिल करते हैं जब यहाँ से अपक्षयकारी क्रियाओं के कारण चट्टान ढीली हो जाती है, यहाँ से क्या हो रहा है चट्टानों का कटाव होता है, इसे हम अपक्षय कहते हैं। परिवहन के पश्चात जब गति कम हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है किन कणों का यहाँ पे निक्षेपण होता रहता है, इसे हम क्या कहते हैं इसे हम निक्षेपण की या ये जो जमाव है मलबे का इसे हम क्या कहते हैं निक्षेपण कहते हैं। अगर हम मुख्य दृष्टि से बात करें कि अपरदन के अंतर्गत सेलों के मलबे की अवाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। अपरदन में हम क्या करेंगे सेलों का जो यहाँ पे अपक्षय हो रहा है और उसके साथ साथ ये जो परिवहन की क्रिया हो रही है इसमें हम क्या कर रहे हैं, यानी कि जो कण बिखर रहे हैं और इनका जो कटाव हो रहा है परिवहन की क्रिया हो रही है, इसे हम अपरदन में शामिल करते हैं। पिंडाकार सेलें जब अपक्षय अनन्य क्रियाओं से टूटती है छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है और विभिन्न भू आकृति कारक जिन्हें हम अपरदनकारी कारक कह सकते हैं, भूमिगत जल, प्रवाहित जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं, इनको एक स्थान से हटाकर क्या करती है दूसरे स्थान पर ले जाती है, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम अपरदन के अंतर्गत शामिल करते हैं। भूआकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाला मलबा अपघर्षण भी अपरदन में पर्याप्त योगदान देता है। इन कणों का आपस में टकराना सेल के साथ इन ये जो अपरदनकारी कारक है, जैसे कि अपरदनकारी कारक की हम बात करते हैं, ये अपरदन ये जो मलबा हो जाता है ये मलबा चट्टानों से क्या हो रहा है टच होता हुआ जब जाता है तो चट्टानों से क्या करेगा अपघर्षण करेगा और चट्टानों का कटाव करेगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं अपघर्षण कहेंगे। क्या कहेंगे ना अपघर्षण कहेंगे। तो अपरदन द्वारा उच्चावच व निम्नीकरण होता रहता है। अपरदन द्वारा क्या होता रहता है विभिन्न प्रकार से यहाँ पे चट्टानों का टूटना निम्नीकरण होता रहता है। अपरदन अपक्षय अपरदन में सहायक होता है, ये हमने भी पता है कि जब चट्टानें अपने स्थान पर टूटेगी तो अपरदन क्या होगा ना तीव्र गति से होगा, क्योंकि कण क्या हो जाते हैं ढीले हो जाते हैं, अपरदनकारी कारक इन्हें तीव्र गति से अपने साथ बहाकर घुलकर ले जाते हैं। अपक्षय बृहत अपरदन एवं अपक्षण के निम्न
निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। इस प्रकार से हमने पता किया कि ये जो अपरदन है इसमें हम क्या करते हैं, विमकार से कटाव और परिवहन से संबंधित प्रक्रियाओं को हम इसमें शामिल करते हैं। आगे हम बात करेंगे जल अपरदन का अर्थ। अपरदन का अर्थ यहाँ पे बताया कि गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग जो भू सतह के साथ संचलित कारकों से संबंधित होता है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा के साथ, गतिज ऊर्जा के प्रयोग के साथ हमें अपरदन की अर्थ समझाने का प्रयास किया गया है। इसे हाफ एम वी स्क्वायर, एम से मतलब तो यहाँ पे मास से है, ठीक है, मलबे से है, और वी से मतलब यहाँ पे गति से है, ठीक है, गति से, यानी क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा किसके लिए जिम्मेदार है, अपरदन के लिए जिम्मेदार है। कि गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग भू सतह के साथ संचलित कारकों से, अब यहाँ पे जो कारक हैं जैसे कि हम बात करते हैं व्रत मलबा है और जो गति है, इनसे क्या होता है, ये संबंधित होता है। इस प्रकार कार्य करने हेतु प्राप्त ऊर्जा पदार्थ के वृहत उसके संचलन वेग पर निर्भर करती है। अगर संचलन वेग उसका अधिक होगा तो अपरदन क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और संचलन वेग कम होगा। मलबा अगर क्या, मलबे की हम बात करते हैं, अगर ये ठोस होगा तो संचलन वेग अधिक होगा। अलग अलग प्रकार से हम चर्चा करते हैं कि ये जो वृहत मलबा और ये जो गति है ये क्या करती है, ये जो इसकी जो वेलोसिटी है, गति को क्या करती है, गतिज ऊर्जा को प्रभावित करती है। गतिज ऊर्जा अगर अधिक है तो अपरदन अधिक होगा, ठीक है ना। विशाल का जैसे कि विशालकाय हिमानी बहुत मंद गति से संचलित होती है, अगर हिमानी विशालकाय है तो क्या होती है, बिल्कुल धीरे गति संचलित होती है, परंतु अपरदन की दृष्टि से ये बहुत प्रभावकारी होती है। दूसरी ओर हवा जो कि गैसीय रूप में होती है कम प्रभावी होती है, तो हवा क्या करेगी, यहाँ पे गति जो उसकी कम होगी तो ये क्या करती है कि अपरदन के लिए कम प्रभावकारी होती है, और ग्लेशियर से गति ऊर्जा अधिक होती है तो अधिक अपरदन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अपरदन के दो अन्य कारक लहरों और धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। अभी भूमिगत जल है, समुद्री धाराएं हैं, अब इनका जलवायु पे कोई विशेष फर्क नहीं होता है। लहरें जल स्थल मंडल के अंतरावर क्षेत्र के प्रदेश में प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से हमने अपरदन और अपरदन से विभिन्न अपरदन जब होता है चट्टानों का अलग अलग प्रकार की यहाँ पे भू आकृतियां स्थलाकृतियां बन जाती है। अब हम बात करते हैं निक्षेपण की, और निक्षेपण का मतलब हमें पता है कि जब परिवहित मलबा जब अपरदनकारी कारकों की गति धीमी होती है तो यहाँ पे निक्षेपित होने लगता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, जब ये जमा होने लगता है तो इसे ही निक्षेपण कहा जाता है। तो निक्षेपण अपरदनकारी परिणाम, जब अपरदन होगा तभी क्या होगा, मलबा बहकर आएगा, जो पार्टिकल्स वो बहकर आएंगे और फिर जमा होंगे। बिना अपरदन के हम अगर निक्षेपण की बात करें तो ठीक नहीं रहे, ठीक है, उचित नहीं होगा। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आती है, जब अपरदन कार्य कारक है इनके वेग में कमी आएगी तो यहाँ पे मलबा जमने लगता है, तो अवसादों का यहाँ पे निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में गए वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता, पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ, पहले तो क्या होंगे बड़े पदार्थ गति कम होंगे तो जमा होंगे, फिर क्या होंगे जैसे गति कम होती जाएगी तो छोटे छोटे पदार्थ भी वहां पे जमा होते जाते हैं। वहीं अपरदन के लिए कारक जो जल, हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं, भूमिगत जल इत्यादि है वो क्या करते हैं, निक्षेपण, जब इनकी गति कम होती है निक्षेपण का कार्य, जमाव का कार्य करने लगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने चर्चा की अपरदन क्या हो रहा है, जब चट्टानों का अपक्ष हो जाता है, कण यहाँ पे बिखर जाते हैं, तो अपरदनकारी कारक इनका कटाव करते हैं, परिवहन करते हैं, इस प्रक्रिया को अपरदन में शामिल करते हैं। और जब इन कारकों की गति कम हो जाती है तो पहले स्थूल बड़े पदार्थ, फिर छोटे पदार्थ क्या होते हैं, यहाँ पे जमा होने लगते हैं, और इस जमाव को ही क्या कहा जाता है, निक्षेपण कहा जाता है।